जैसा कि हमने आपको बताया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उन्हें अभी तक रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं मिला है, पर उनका कहना है कि हाँ, सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ ट्रांसफर हुए हैं पर रिया के अकाउंट में नहीं। वहीं अब एक और अपडेट सामने आई है। अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग पोर्टल, ईडी डिपार्टमेंट को प्रोब के चलते पता चला है कि सुशांत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के फ्लैट की ईएमआईज भर रहे थे। जी हाँ, इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग ईडी को पता चला है कि सुशांत मुंबई के मलाड में लोकेटेड एक 2 BHK फ्लैट के इंस्टॉलमेंट्स भर रहे थे जो 4.5 करोड़ का है। एजेंसी के सोर्सेस का कहना है कि जिस फ्लैट की ईएमआई सुशांत भर रहे थे वो एलिजली अंकिता लोखंडे का है। आपको बता दें, अंकिता सुशांत की फॉर्मर गर्लफ्रेंड है। दोनों एक दूसरे को 6 साल तक डेट कर रहे थे जिसके बाद वो 2016 में अलग हुए। अंकिता और सुशांत ने ये फ्लैट ईयर 2014 में खरीदा था जब दोनों एक साथ थे, पर अब लगता है कि अंकिता ने सुशांत से अलग होने के बाद भी वो फ्लैट नहीं छोड़ा है और वो अब तक वहीं रह रही हैं। रिया चक्रवर्ती ने भी ईडी से बात करते हुए इस फ्लैट को मेंशन किया था और बताया था कि सुशांत अंकिता से ये फ्लैट खाली करने को नहीं कह सकते हैं जबकि वो ही इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं। इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये फ्लैट खरीदते वक्त कितने पैसे दिए गए थे। सोर्सेस ने ये भी बताया कि इस फ्लैट के अब बस कुछ ही इंस्टॉलमेंट्स बचे हुए हैं। ईडी ऑफिशियल्स इस वक्त हर पॉसिबल ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट की छानबीन कर रहे हैं। अब अंकिता लोखंडे ने अपनी तरफ से इन एलिगेशंस को रेस्ट पर रखते हुए क्लैरिफिकेशन दिया है। अंकिता ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने फ्लैट की रजिस्ट्रेशन और 2019 से अब तक की अपनी बैंक डिटेल्स शेयर की, जहां देखा जा सकता है कि उन्होंने मंथली बेसिस पर खुद ही अपनी ईएमआईज पे की है। अंकिता ने इस ट्वीट के एंड में लिखा, इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कर सकती हैं।